दोस्तों कुछ दिनों से हम ये प्रोटीन सलाद बना रहे हैं। देखिए ये सामान है ये और ये अंकुरित चने हैं और अंकुरित मूंग हैं। शिवम और इसकी मम्मी ये दोनों बनाते रहे हैं, इनको ज़्यादा पता है कि कैसे कैसे बनाना है। मुझे तो मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है जो इन्होंने यह सामान रख रखे हैं। देखिए ये प्याज हैं, प्याज कितने प्याज है शिवम? दो प्याज। अच्छा आप काटे किसने थे? मैंने। अच्छा शिवम ने काटे हैं, ये दो प्याज हैं। और ये टमाटर कितने थे? दो मम्मी ये का। अच्छा ये आपने काटे थे। दो टमाटर हैं, दो प्याज हैं। और देखिए ये पनीर हैं, कितनी 200 ग्राम पनीर थी? एक पैकेट। हाँ एक पैकेट 200 ग्राम पनीर थी। और ये इसकी मम्मी काट रहे हैं, दोनों मिल करके ये बनाते हैं। अब आगे क्या करना है इनको ज़्यादा पता है, तो यही बताएंगे कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है। और बस ये है कि मैं तो नींबू तो लेके साथ में खा लेता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, नींबू ले शानदार लगता है। अच्छा नींबू डालते हैं इसमें? नींबू, काला नमक, एक हरी मिर्ची। हरी मिर्ची भी लिया? अच्छा हरी मिर्च भी ले आना शिवम। और क्या बताया? काला नमक और काला नमक के डब्बे भी लिया। काला नमक और क्या डाला? दूसरा नमक और काला। अच्छा नमक के डब्बे भी लिया था ना? खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है, कुछ दिनों से बना रहे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, इनको भी बहुत अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है, ये कुछ नया बना रहे हैं तो सबको कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। अब आगे क्या करना है करो? बस यही सुबह दोबारा चालू कर। अब दोस्तों दूर से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए ये अंकुरित चने हैं और अंकुरित मूंग हैं। और देखिए ये टमाटर हो गए, प्याज हो गए, और दो नींबू हैं, एक हरी मिर्च हैं, और ये पनीर हैं, और ये चाय है। पर इसमें डालनी नहीं, ये तो मैं पी रहा हूँ। नमक हैं सफ़ेद और काला नमक है। देखिए अब ये बना के बताएंगे कैसे बनाना है। अभी एक मिर्ची काटनी थी दोस्तों, तो मैं मिर्ची मेरे ऐसे काटता हूँ तो मेरे हाथ में इतनी मिर्ची का तीखापन लग जाता है, फिर दो तीन बार साबुन से धोता हूँ तब निकलता है। तो मेरी आदत है कि मिर्ची ऐसे ही काटता हूँ। ये कहाँ काटनी मिर्ची? इसमें काटनी? तो एक कैंची से मिर्ची काट देता हूँ। अब आप अपना करते रहो, जो भी आपको करना है, जो भी मिक्स करना है। टमाटर भी डाल। नमक भी। मिर्च डालें। कर मिक्स कर। कर मिक्स तो। हाँ। और क्या डालोगे इसमें? वो नींबू डालना है, बाद में डालना है ये नमक डालना है। बीच बीच में चाय पी रहा हूँ मैं, पीता हूँ गर्मी चाय। देखो ये बन रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है। नमक डाली मुका। कतरो एक चम्मच नमक डाले। काला ये भी डालना ना सफेद? ये भी सुबह डाला पड़ेगा। हेलो बना रहे, ये जो बना रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका प्रोटीन सलाद। प्रोटीन सलाद। अच्छा ये प्रोटीन सलाद है। अच्छा मतलब ये इसमें देखिए प्रोटीन ही प्रोटीन है ज़्यादा, है ना? चाहे वो चना है चाहे मूंग है, चना तो दोनों में प्रोटीन ज़्यादा। विटामिन भी हो गए। नींबू प्याज में, नमक
पनीर। ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब नींबू में विटामिन सी हो गया। काले बोले ना काली मिर्च। अच्छा पनीर, फिर पनीर में प्रोटीन बहुत है ना, तभी इसीलिए ये प्रोटीन सलाद है, क्योंकि प्रोटीन की इसमें भरमार है दोस्त। देखिए अब ये वैसे हम ये सुबह खाते हैं, सुबह सही होगा शायद नमक तरह सुपटकत कोई ज़्यादा कम खा पाँच पट्टी। मैं तो शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय भी अगर खाए तो ये प्रोटीन सलाद उस समय शायद और ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, लेकिन अभी ये 2-3 महीनों से ये बनाने लगे हैं और अक्सर 5-7 दिन में एक बार बना लेते हैं, कई बार 2 सप्ताह में 2 बार भी बना लेते हैं। तो हो सकता है क्या कहते हैं हम इसे शाम को जो एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में बनाने लगे, विचार करेंगे हम सब मिलकर के इसमें। ठीक है बीज तो ही काट बनाने वाले ज़्यादा विचार करेंगे नहीं कि चलेगी यही बनाते हैं, अपने बनाया नहीं बन गया है अपन खा लेते हैं। वाह बहुत बढ़िया काट या नींबू दोनों नींबू डालने के बीज निकाल दूं निकाल दो बीज बीज तो खराब हो जा आज पे फूट जा डांट करने जा ये लो आज मेरा भी थोड़ा सा योगदान हो गया, बीच बीच में खाते रहते हैं। बढ़िया लग रहा है मैं बीच में नहीं खाता, मुझे ऐसा लगता है बीच में खाने से कम हो जाता है, पर ये बीच में अक्सर खाते रहते हैं। अब पनीर 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 डाल भाई पनीर डाल आधी डाल दे आधी फिर डाल दे मैं डालू कितनी डालो पूरी डाल लो क्या आधी आधी डालो आधी मला लो फिर डाल लो। अच्छा ये गमला थोड़ा छोटा रह गया ना ये ले ऐसे खा के आके कम कर दोगे तो बीच में दोनों खाते रहते हैं मैं नहीं खाता ऐसे इनका मुझे ऐसा लगता है कम होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में खाने का अपना मजा है अपनी अपनी टाइम है। अब डाल दो पूरी डाल दो ये ले भाई कर दें कतरी चे एक पाव चे 200 ग्राम 200 ग्राम 200 अब ये हो गया तैयार अब कुछ और करना है हो गया अच्छा तब बस खाना आया है ना अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी स्वादिष्ट है बहुत अच्छा है और पौष्टिक तो देखो है ही ले रहा हूँ कटोरिया ये नहीं कटोरी प्लेट में ले लो एक कटोरी में कटोरी हो गई और एक ये हो गई छवि की है ना ये चम्मच ले सो दो चम्मच हाँ दो है दो और ले आना और चने भी दोस्तों आपको बताऊँ ये गांव से लाए हैं हमारे अपने खेत के ही हैं मूंग खेत के नहीं है मूंग तो दुकान से खरीद के लाए हैं पास से दिखाओ हाँ एक बार देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कैसा लग रहा है
सेम पास्ते दिखा देगा। अब देखिए पास्ते कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोटीन जैसे मूंग चना। तो अभी क्या कहते हैं खाना है कुछ, प्याज बहुत ही अच्छा लग रहा है, नमक काला नमक सफेद नमक अपन डेली घर में खा रहे नमक। देखिए खाते सभी कुछ मानदर दे रहा हूँ। अभी चार लोगों के लिए बनाया दोस्तों, तीनों हम हो गए, बेटी है छवि तो उसकी अभी ऑनलाइन एग्जाम चल रही है तो ये वहीं उसे अंदर दे देते हैं। खा ले मिर्च चम्मच खा गए। अच्छा ये रही नहीं बाद में ले ली, ये उसको दे बहुत मस्त है दोस्त, बहुत ही बढ़िया, इतना पौष्टिक नाश्ता, स्वादिष्ट भी, बहुत गजब गजब भी लागे छे खावा में। इन दोनों ने पता किया था, मतलब पहले किसने देखा था यूट्यूब पे पता किसको चला था? नहीं अच्छा फिर बताया होगा तुम्हें मम्मी को जी, अब तो बता दे फिर काय ने क्या अच्छा तो चढ़ा गड़ा मूंग गड़ा शाम को कलाए है ना, ये शाम को चने और मूंग गड़ा देते हैं, पानी डाल करके बालकोनी में रख देते हैं। बढ़िया शाम को पानी में तो काट बाहर रखिए बढ़िया हवा में फिर हम पूरी हो गया पंखो तो चालू कर दी चाले। हमारे खाने के साथ दोस्तों ये है, उस आसन में बैठो जिसमें सुविधाजनक लगे, आलती पालती मार के बैठना अच्छा लगता है बैठो, ऐसे बैठना अच्छा लगता है ऐसे बैठो, पंखा चालू कर देते हैं, किसी को ऐसे बैठना अच्छा लगता है ऐसे बैठो, यानी जो ठीक लगे भाई वैसे बैठो, बिल्कुल किसी एक नियम में बंध के मत रहो कैसे बैठना। अभी मैं तो आलती पालती मार के बैठा था, पहले वो वीडियो की वजह से बैठा था, फिर जैसे ध्यान हटा वीडियो का तो मुझे समझ में आया कि यार आलती पालती मार के बैठो ऐसे बैठो, देन कुल मिला के जैसे ठीक लगे वैसे बैठना हमें अच्छा लगता है। चैन करते रहो आसन हल्दी बांध लो तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये जो नई रेसिपी है प्रोटीन सलाद ये कैसे बनी बताना, और आप भी कोई नई रेसिपी बना रहे हैं तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। आप सभी का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बंद कर दिया। बहुत ही बड़ो